सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम होने वाला है 1 से 13 जुलाई के बीच में, तो इस वाले वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2023 की परीक्षा के लिए सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का पिछले साल का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? गुप्तों द्वारा, मराठों द्वारा, मुगल द्वारा, मौर्य द्वारा? देखिएगा, चौथ नामक कर जो है ये मराठों के द्वारा लिया जाता था। तो जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, चौथ नामक जो कर है, ये चौथ कर होता क्या है ये भी जान लीजिए आप लोग। व्यवहारिक रूप में चौथ अक्सर हिंदू या मुसलमान शासकों द्वारा मराठों को खुश करने के लिए दिया जाने वाला शुल्क था, ताकि मराठे उनके प्रांत में उपद्रव ना करें या उनके जिले में घुसपैठ से दूर रहें। मराठों का दावा था कि इस भुगतान के बदले में वे दूसरों के आक्रमणों से उनकी रक्षा कराते थे। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो भी विद्यार्थी वी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। सोमनाथ मंदिर ये गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन्हें जान लीजिए। देखिए, सोमनाथ गुजरात राज्य का एक प्राचीन मंदिर शहर है। ये गुजरात के सौराष्ट्र में प्रभास पाटन में स्थित है। ये भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है, यह पहला है। सोमनाथ तीर्थ को एक अनंत तीर्थ माना जाता है। यह कई बार नष्ट हो गया था, हालांकि इसे फिर से बनाया गया था। अंत में 1947 में वल्लभ भाई पटेल के बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है तीसरा क्वेश्चन? है किसे एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है? चीन, म्यांमार, तुर्की, नेपाल? चीन को एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता था। जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमें जान लीजिए। एशिया का मरीज के नाम से चीन देश को जाना जाता है। एशिया या जम्बूद्वीप आकार और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पश्चिम में इसकी सीमाएं यूरोप से मिलती हैं, हालांकि इन दोनों के बीच कोई सर्वमान्य और स्पष्ट सीमा नहीं निर्धारित है। एशिया और यूरोप को मिलाकर कभी कभी यूरेशिया भी से कहा जाता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, चौथा क्वेश्चन देखेगा, चौथा क्वेश्चन है कि गुरु ग्रंथ साहब किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म? सी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है। सिक्कों की पवित्र पुस्तक को गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है, और इसे सिक्कों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा घोषित किए जाने के बाद हमेशा के लिए शाश्वत गुरु माना जाता है, कि जीवित गुरुओं की वंशावली उनके साथ समाप्त हो जाएगी। गुरु ग्रंथ साहिब का मूल नाम आदि ग्रंथ था, और यह गुरु गोविंद सिंह थे जिन्होंने इस गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक का नाम देकर शाश्वत और अमर गुरु का दर्जा दिया। यह पवित्र पुस्तक जिसमें गुरुओं के उपदेश शामिल हैं, जिन्हें गुरुवाणी कहा जाता है, गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है, जो संयोग से पंजाब राज्य में किसी भी पंजाबी पाठ को लिखने की आधिकारिक लिपि है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। पांचवा क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? भगत सिंह, मोहम्मद इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी? जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने इसकी रचना की है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाना मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। यह गीत उर्दू भाषा की सबसे स्थायी देशभक्ति कविताओं में से एक है। इस गाने को तराना ए हिंद भी कहा जाता है। यह कविता
साप्ताहिक पत्रिका इतिहाद में 16 अगस्त 1904 को प्रकाशित हुई थी। तब कवि इकबाल ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में आगामी वर्ष में इसका पाठ किया। फिर यह गीत भारत में ब्रिटिश शासन के विरोध के लिए एक गान बन गया। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने 1984 में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस गीत की पहली पंक्ति में कहा था कि भारत बाहरी अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया था? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। सातवां क्वेश्चन देखेगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? 153, 155, 157, 163। ए ऑप्शन जो भी अभ्यर्थी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, 153, अनुच्छेद 153 में यह वर्णित है। अकबर का मकबरा ये कहां पर स्थित है? लाहौर, दौलताबाद, सिकंदरा, दिल्ली। देखिए, अकबर का जो मकबरा है ये सिकंदरा में स्थित है, तो जो भी बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इस मकबरे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उन्हें जान लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण अकबर द्वारा 1605 में शुरू किया गया था और जहांगीर के द्वारा पूरा किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। सिकंदर का नाम सिकंदर लोदी से जोड़ा गया। यह एक सुंदर 5 मंजिला मकबरा है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? आचार्य विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रगुप्त मौर्य, लाला हरदयाल। देखिए गाइस, भूदान आंदोलन जो है ये आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था, तो जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विनायक नरहरि विनोबा भावे भारतीय अहिंसा और मानव अधिकारों के पैरोकार थे। 11 सितंबर 1895 को विनोबा भावे का जन्म गागोड़े गांव रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था। 1951 में भावे ने पोचमपल्ली तेलंगाना में भूदान आंदोलन शुरू किया। आंदोलन को भूमि मालिकों को भूमिहीनों को भूमि उपहार में देने के रूप में देखा गया। यह आंदोलन 13 वर्षों तक चला, जिस दौरान भावे ने पूरे भारत का भ्रमण किया। सो गाइस, दसवां क्वेश्चन देखिएगा, दसवां क्वेश्चन है कि पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 5 डिग्री, 10 डिग्री, 1 डिग्री, 15 डिग्री। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। फैक्ट की अगर हम बात करें तो पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री चलती है। 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा करती है अपनी धुरी के साथ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा ये, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर, तो बी वाला ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्रारूप समिति संविधान सभा द्वारा नियुक्त एक महत्वपूर्ण समिति थी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्त की गई। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रारूप समिति ने नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए अध्यक्ष सहित 7 सदस्यों का समूह नियुक्त किया। देखिए, प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे ये भी देख लीजिए, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अय्यर, वी एल मिट्टर, डी पी खेतान। 12वां क्वेश्चन देखेगा, सुगस 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से क्या लक्षद्वीप की राजधानी है? सिलवासा, कवरत्ती, पोर्टब्लेयर, हैदराबाद। जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है और कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। द्वीप समूह को लैकाडिप द्वीप समूह के रूप में भी जाना जाता है। कवरत्ती अपने प्राचीन सफ़ेद रेत समुद्र तटों और शांत लैगून के लिए प्रसिद्ध है।
कवरत्ती जो है ये कोची शहर से 404 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। नरेंद्र मोदी के प्रमुख स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत धन पाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक कवरत्ती शहर है, ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि लोकसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 14, 12, 16। लोकसभा में कुल 2 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति के पास एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करने की शक्ति है। हालांकि एंग्लो इंडियन को केवल तभी मनोनीत किया जाएगा यदि राष्ट्रपति को लगता है कि उन्हें लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 14वां क्वेश्चन देखिएगा, इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, तो जो भी बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसरो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्हें जान लीजिए। पहली बात, इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है, ये तो आपको पता ही हो गया। डॉस का सचिवालय और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु के अंतरिक्ष भवन में स्थित है। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। PSLV C-25 PSLV की 25वीं उड़ान ने मार्स ऑर्बिटर मिशन स्पेस क्राफ्ट का शुभारंभ किया गया था। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर SHAR में पहले लॉन्च पैड से शुभारंभ किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15वां, देखिए अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 15वां क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है? नर्मदा नदी, सोन नदी, दोनों, कोई नहीं। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों। अमरकंटक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। देखिए अमरकंटक वह स्थान है जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। इसका उद्गम मैकल पर्वतमाला से समुद्र तल से 1057 मीटर की ऊंचाई पर होता है। अमरकंटक भारत में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। नर्मदा नदी मुख्य रूप से मध्य भारत में बहती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई लगभग 1289 किलोमीटर है। ये नदी पूर्व की ओर से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। ये भरोच नामक बिंदु पर समुद्र में विलीन हो जाती है। ये पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, शाहनामा किसकी कृति है? अबुल फलज, फिरदौसी, गुलबदन बेगम, अकबर। शाहनामा फिरदौसी की कृति है, तो जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, फिरदौसी। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहां पर स्थित है? खड़कवासला, देहरादून, नई दिल्ली, चेन्नई। भारत में वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में स्थित है, तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। वन अनुसंधान संस्थान के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लीजिए। देखिए इसकी स्थापना 1878 में वन विद्यालय के रूप में की गई थी। आगे चलकर 1906 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। ये भारत का प्रमुख अनुसंधान संस्थान है जो भारतीय वन सेवा समग्र वन अधिकारियों और रेंजरों के लिए वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19वां, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी ये कहां स्थित है? इक्वाडोर, फिलीपींस, हवाई उद्योग, मनीला। जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। एंडिस पर्वत में स्थित कोटोपैक्सी एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखीय पहाड़ों में से एक है। 1738 के बाद आज तक इसमें 50 बार विस्फोट हो चुके हैं।
ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश। तो जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ईटानगर ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। 20 अप्रैल 1974 से ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ईटानगर तलहटी में स्थित है। यह बस्ती औसत समुद्र तल से 350 मीटर से ऊपर स्थित है। यह प्रशासकीय रूप से पापुम पारे जिले के अंतर्गत आता है। ईटानगर क्षेत्र में प्रमुख जनजाति निशी निर्गिश हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, शेरशाह सूरी। देखिए, चीनी यात्री फायान ये विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर मैं फैक्ट की बात करूं, फायान कुमार जी के शिष्य थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान 5वीं ईस्वी में भारत आए थे। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रमाणिक प्रतियों की तलाश में भारत की यात्रा की। उनका यात्रा विवरण बौद्ध किंवदंतियों, मठों और मंदिरों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। उन्होंने भारत को एक कुशल प्रशासक के साथ एक शांतिपूर्ण देश के रूप में वर्णित किया है। सो गाइस, 22वां क्वेश्चन देखेगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत में चावल की सबसे अधिक मात्रा का उत्पादन करता है। 2015-16 में सरकार के एक सर्वेक्षण के अनुसार पश्चिम बंगाल ने 15.75 मिलियन टन चावल का उत्पादन किया। विश्व स्तर पर भारत चीन के बाद चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 23वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल। 24वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है, हॉकी खेल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 10, 9, 8। सो गाइस, हॉकी खेल की प्रत्येक टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिकेट खेल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट टीम के में करीब इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत कब गणतंत्र हुआ? 1947, 1950, 1949, 1952। भारत वर्ष 1950 में गणतंत्र हुआ। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू करने के साथ ही देश को पूर्ण गणतंत्र घोषित कर दिया गया और तब से लेकर आज तक हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1368, 1888, 1870, 1869। जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, 1869। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। यह एक वकील, उपनिवेशवाद विरोधी, राष्ट्रवादी और राजनीतिक नैतिकतावादी थे। उन्होंने ब्रिटिश राज्य से राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया। स्मारक समर्पित राजघाट गांधी स्मृति। नागरिकता ब्रिटिश राज 1869 से 1947, भारतीय 1947 से 1948। मृत्यु की बात करें, 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। इनकी जो आत्मकथा है, आत्मकथा इनकी है सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है? कानपुर, दिल्ली, नासिक, अयोध्या। तो जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। गंगा नदी जो है ये कानपुर के तट पर बसा हुआ है। वाराणसी, जिसे बनारस या काशी भी कहा जाता है, गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। प्रसिद्ध कोयना बांध ये कहाँ स्थित है? दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। प्रसिद्ध कोयना बांध ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। कोयना बांध के बारे में जान लीजिए, कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में है और इसका निर्माण 1964 में पूरा हुआ था। ये सतारा जिले के कोयना नगर में स्थित है। यह कोयना नदी के ऊपर बनाया गया है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29वां,
निम्न में से क्या खरीफ की फसल है? जौ, चना, मसूर, मक्का। जो भी बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। खरीफ की फसल है मक्का। खरीफ की फसल भारत में जून जुलाई वर्षा ऋतु में बोई जाती है और अक्टूबर के आसपास कटाई की जाती है। खरीफ फसलों की बुआई के समय उच्च तापमान और आर्द्रता तथा पकने के समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसलों में धान, मक्का, गन्ना, अरहर आदि शामिल हैं। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, किसके द्वारा भारतीय समुद्री मार्ग की खोज की गई? वास्को डी गामा, अल्फांसो डी अल्मोड़ा, अल्बुकर्क, माइक्रोराइट। जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, वास्को डी गामा। समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम वास्को डी गामा ने की। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वह समुद्री मार्ग से भारत आया था। यूरोप से एशिया तक समुद्री मार्ग को खोजने का श्रेय भी वास्को डी गामा को जाता है। तो क्वेश्चंस ऑफ द डे रहेगा आज का। इस क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुलाबी नगरी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है? जयपुर, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर मुंबई? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।